बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एज ए टीचर जो है अपना रिएक्शन पेश करना चाहता हूँ, जो स्कूल बंद है और टीचर्स को और बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो इस वाले से मैंने जो फेसबुक पर और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उन पर मैंने लोगों को देखा है कि लोग इस बारे में जो है वो बहुत गलत गलत राय अपनी दे रहे हैं कि टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, उनके मज़े हो चुके हैं, घरों में बैठे हैं, सुकून मार रहे हैं। तो इस हवाले से मैं एज ए टीचर कुछ बातें जो है वो कहना चाहूँगा, अपनी कुछ गुजारिशात आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। और वो बातें ये हैं कि कोई भी टीचर जो है वो बशमूल मेरे इस सूरत हाल से खुश नहीं है। तमाम जो बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, वालदैन को बच्चे वालदैन के तो वो बच्चे होते ही हैं, एज ए टीचर वो हमारे भी बच्चे हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है जो भी छुट्टियाँ हो रही हैं। तो ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि टीचर मज़े में है, तो उनके लिए मैं एक बात यही कहता चलूं कि ये कोरोना वायरस ना ही हम लेकर आए हैं और ना ये छुट्टियां वगैरह ये हमने दी हुई हैं, या हमारी कोई पॉलिसी है कि छुट्टियां स्कूलों में बंद कर दी जाएं और छुट्टियां दे दी जाएं। ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें किसी भी टीचर का कोई ज़रा सा भी हाथ नहीं है। तो खुदा रा अपने टीचर्स की इज़्ज़त करना सीखें और टीचर्स को इज़्ज़त दें, क्योंकि इस दुनिया में वही लोग जो है वो कामयाब होते हैं जो टीचर्स का इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो इस हवाले से जो है वो मैं मज़ीद ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोरोना की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। जो लोग इसमें फंस जाते हैं तो वो तो मौत और ज़िंदगी की कशमकश में चले जाते हैं, उनकी सांस ही नहीं आ रही होती, मज़ीद उनके अंदर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, तो उनका तो जो है वो जीना भर हो जा जीना जो है वो दो बार हो जाता है वो उनके लिए तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। फिर वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे आप सोच सकते हैं। अगर कोई बंदा सांस ही खींच खींच कर ले रहा हो, बहुत मुश्किल से ले रहा हो, तो उसकी बाकी जो है वो कंडीशन कैसे हो सकती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना का मजाक उड़ाते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार अगर आप फंसे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कोरोना जो है वो क्या चीज़ होती है। तो इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम देखने वालों से व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप जो है वो कोरोना को सीरियस लें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए लाजमी है। अगर से जो है वो 6 फुट का फासला या इतना ज़्यादा फासला आप नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम आप मास्क तो जो है वो सेबतन कर सकते हैं, अपने चेहरे को उससे टाँग सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो यही था कि टीचर जो है वो खुद परेशान है इस वाले से कि उनके बच्चों को नुकसान हो रहा है, इसलिए स्टॉप क्रिटिसाइजिंग टीचर्स, टीचर्स का एहतराम करना सीखें। तो यही मेरा आज का पैगाम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।